मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। सबसे पहले नमस्कार, और मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए, कल मैंने जिंदगी में कभी अपना जन्मदिन कभी मनाया नहीं है। मनाया क्या, मतलब पैसे नहीं होते थे मनाना था। मेरा तो फिर भी 2 तारीख को, तो तनख्वाह नहीं नहीं मिलती थी डैडी को, तो होते भी थे कभी, तो मेरे भाई का तो कभी मनाया ही नहीं था। उसका मतलब थप्पड़ जैसे मेरा पापा बर्थडे मेरे ये स्पेशल हो गया, बिकॉज कल हम लोगों ने बच्चन साहब के साथ शूट किया, तो उस दिन मैंने ट्विटर पे भी लिखा, फर्स्ट टाइम आई डोंट माइंड वर्किंग ऑन माय बर्थडे, बिकॉज तो सरप्राइज बच्चन साहब ने केक मंगवाया, सपने जैसा था, कल सपने में जी रहा हूँ। कल आज लता जी का फोन आया कि मैंने आपके लिए गिफ्ट लिया, लता जी को हम लोग गया, उनको हिंदुस्तान में इतना उनको माना जाता है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा दिन था। और आज सब कुछ अच्छा अच्छा, आज सुनील भाई से भी मुलाकात हुई, और हम लोग काफी क्योंकि जब शुरुआत हुई थी लाफ्टर चैलेंज से, तो सुनील भाई विनर थे उसमें लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट में, फिर ये क्रम चलता गया, मतलब वो कैसे किस तरीके का प्रोग्राम आया था, सड़कें खाली हो जाती थी, और इनको देख देख के मैं हमेशा सुनील भाई की बात बोलता हूँ। मैंने कहा कि आप लोगों ने जो कैरेक्टर्स वहां पे करते थे, वो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा उससे, बिकॉज एक कलाकार सारी उम्र कुछ ना कुछ सीखता है। सो शुक्रिया। तो इन्होंने क्रम शुरू किया, हम सब साथ में चले, फिर के भी सीजन आए, फिर और भी शोज किए, फिर अभी कर करा के ये मुझे लगता है कि लोग कई बार बोलते हैं कि आप लोगों ने पहले क्यों नहीं शुरू किया, मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब पहले विदेश 1947 में क्यों याद हुआ, 1910 में क्यों नहीं हो गया, ये तो जब जो होना होता है उसी टाइम पे होता है। सो हमेशा ही अपने भाइयों से, बड़े भाइयों से सीखने को मिलता रहता है। बाकी ये एक इनकी एक मुझे खासियत जो है वो किसी और कलाकार में नहीं है, ये किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे ढोंगी बाबा को पकड़ ले, किसी पॉलिटिशियन को पकड़ ले, तो इनके कटाक्ष जो होते हैं, कटाक्ष वाला नंबर जो इनका वो रहता है, और मैं उसका फैन भी हूँ, और इनकी जो आवाजें डिफरेंट डिफरेंट निकालते हैं, मतलब बहुत कुछ सीखा सीख भाई, आप सो मच फॉर हैविंग मी है, और थैंक यू सो मच। तो मैं आज अभी भी लता जी के पास था, तो मैं इसलिए थोड़ा लेट हो गया, मैंने कहा कि इलेक्शन तो रोज आते, लता जी रोज नहीं आएंगी। के बारे में आपने जो प्रमो देखा, थोड़े से दो शब्द कहिए प्लीज। मैंने पहले कहा अगर आप एक देश के नागरिक हैं और उस देश में जो कुछ भी हो रहा है हालात के ऊपर अगर आप करते हैं, और इस तरीके से करते हैं कि किसी को कुछ हर्ट ना हो, और ये अच्छी बात है, और ये एफर्ट है सुनील जी का, बिकॉज ये हमेशा करते रहते हैं, ये ऑफिशियली तो उन्होंने यहाँ पे किया, लेकिन अदरवाइज आप सोशल नेटवर्किंग भी देखें तो इनके जो है कटाक्ष चलते रहते हैं, होने भी चाहिए बिकॉज और बिना किसी का दिल दुखाए, ये जिस कहना होता है बहुत बड़ी कला होती है, तो ये भगवान हर किसी को नहीं देता है, और भगवान ने सुनील पॉल जी को ये कला दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस व्यंग को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, और इसको सिर्फ व्यंग के तौर पर लेंगे, फालतू में धरने नहीं देंगे कि नहीं ऐसा ही है सर। सो मेरी बेस्ट विशेज हैं सुनील भाई के लिए, हमेशा भाभी जी के लिए, ये कहते हैं ना कि भगवान जैसा होता है इंसान उसको वैसा ही जीवन साथी मिलता है, तो हमारी भाभी जी, मतलब मैंने इनको देखा है ये शूटिंग पे, जब आप फिल्म की कर रहे थे पहली फिल्म, तो तब भी मतलब कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं, अच्छा घर की प्रोड्यूसर, घर के सब। सो मेरी दुआएं हैं सर, आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहें, थैंक यू सो मच। हमारे लाफिंग कलर के खास मित्र हमारे राजेश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस डीवीडी के पीछे, खुद बहुत ह्यूमरस है, इतना हंसाते हैं उनको पागल कर देते हैं, आज हम जो पागल हुए इन्हीं की वजह से हुए। जी बिल्कुल, हमारे जब से मैं मुंबई आया हूँ, और मैंने पहला ही एक एपिसोड किया था लाफ्टर चैलेंज में, तो सुनील भाई ने मुझे अपने घर पे बुला के अप्रिशिएट किया था कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर वो भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए उसका। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर आप समाज में जो कुछ हो रहा है अगर आप उसको व्यंग करते हैं, उसके ऊपर कोई चीज़ पसंद है या नापसंद है, तो जिस तरीके से ये करते हैं मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाता, मैं तो या बोल देता हूँ सीधा या चुप रहता हूँ, मेरा बीच वाला बस ये इस तरीके के घुमा के बोलते हैं, ये कला सिर्फ इन्हीं को दी है। सुनील जी बेबाक हैं, और जो सच होता है वो हमेशा बोलते हैं, जो मतलब जो इनकी खासियत भी है
और इनकी नेगेटिव पॉइंट भी वही है, इस वजह से कई लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो थोड़े सो बाकी ये करंट मुद्दों के ऊपर जिस तरीके से ये स्टैंड अप करते हैं वो बहुत बढ़िया लगता है। अभी 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 जल्दी आपको परसों शायद 7-8 तारीख कोई न्यूज़ मिलेगी, कोई अच्छे आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी से ही कोई, सो वो आ रहे हैं। फिलहाल तो मैं, क्योंकि मैं, मुझे इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है यू नो ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए कि वोट करें लोग, उसके लिए अवेयर मैं लोगों को करूं। अगर मुझे उनको ऐसा लगता है कि मेरे कहने से अगर लोग वोट करते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नहीं सर, मुझे आए थे बीच में एक दो ऑफर्स, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगा बिकॉज लोगों का इतना प्यार मिला है। उसमें क्या है कि 50-50 है, जो आपकी पार्टी के हैं वो तो आपको बड़ा प्यार देंगे, दूसरे आप पे कीचड़ उछालेंगे। तो मुझे लोग वैसे ही प्यार कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी का नहीं, मेरी अपनी हास्य पार्टी है, सो वही लोग प्यार कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि जो भी आए वो काम करने वाला हो, बिकॉज आप देखते हैं कि हर बार इलेक्शंस होते हैं हमेशा ये बातें होती हैं कि देश का विकास किया जाएगा, लेकिन ले दे के सफर जो करती है वो जनता करती है। आज भी हम लोग इतना इतना टैक्स भरते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं तो दुख होता है इस चीज़ को देख के कि हर यू नो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाने वाले हैं। जैसे बेरोज़गारी सबसे बड़ी चीज़ है। आज मैं अपने आप को देखूँ आज से 7-8 साल पहले तो जो मेरे हालात थे, अगर मैं देखूं कि यार मेरे जैसे और भी करोड़ों नौजवान हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती हैं या शिक्षा नहीं मिलती है, सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर ये दूर होती हैं देश से तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है और अच्छी चीज़ होगी। जो हम लोग जाते हैं जब कभी बाहर, ये देखिए थाईलैंड जैसी कंट्री है, मतलब क्या है उनका बिजनेस देखा जाए तो, मतलब मसाज वगैरह बेचारे करते हैं लेकिन आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो दुख होता है यार कि हमारे देश में वो सब क्यों नहीं है। सो उम्मीद है कि इस बार देश बदलेगा।